हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू द चैनल फिजिकम एकेडमी। दिस इज दिव्या अग्रवाल। सो गाइज, आज हम बात करेंगे डीयू के बारे में। व्हाट इज डीयू? दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो पेपर होता है, दैट इज DUET, वो क्या है और उसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसका पेपर का पैटर्न क्या है और फी क्या है। ओके, सो दिस इज बेसिकली फॉर PGs, लाइक अगर आप MSCs करना चाहते हैं फ्रॉम DU, दिल्ली यूनिवर्सिटीज, तो आपको इसके बारे में जानना ज़रूरी है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएशन एंट्रेंस टेस्ट, दिस इज DUET, दैट इज दिल्ली यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएशन एंट्रेंस टेस्ट, एंड दिस इज ऑल इंडिया एडमिशन टेस्ट कंडक्टेड जॉइंटली बाई दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, दैट इज NTA, टू प्रोवाइड एडमिशन टू MSc मास्टर्स, टू अप्लाई फॉर द टॉप मोस्ट कॉलेजेस इन दिल्ली। अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप मोस्ट कॉलेजेस से, तो आपको उनका एक जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट देना होता है जिसका नाम है DUET, दिल्ली यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएशन एंट्रेंस टेस्ट। अब ऑल कैंडिडेट्स एडमिटेड थ्रू DUET शुड हैव अ बैचलर्स डिग्री, दिस इज एलिजिबिलिटी। आपके पास में बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। इन द क्वालिफाइंग डिग्री द एग्रीगेट मार्क्स, यानी कि CGPA CPI विदाउट राउंडिंग ऑफ शुड बी एटलीस्ट 55%, दिस इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मतलब आपका 5.5 मिनिमम आउट ऑफ 10 होना चाहिए अगर आप जनरल या OBC NCL कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और अगर आप SC ST PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके 50% या 5.0 CGPA CPI विदाउट राउंडिंग ऑफ होना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड 10+2 सेकेंडरी सीनियर इक्वेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज बाय द दिल्ली यूनिवर्सिटी विद मैथमेटिक्स, दिस इज अ मस्ट थिंग। ओके, आपके पास में 11th 12th में मैथ्स होना ज़रूरी है, उसके साथ में BSc में, है ना, अगर आप रेगुलर सब्जेक्ट्स हैं आपके पास में BSc में, या फिर BSc ऑनर्स के हैं आप केमिस्ट्री एग्जाम में, तो आपके पास कम से कम दो पेपर मैथ्स के होने चाहिए। मतलब BSc में कम से कम दो पेपर आपके किसके होने चाहिए? मैथ्स के होने चाहिए, तो ही आप एलिजिबल है। तो DUET का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि आपके 55% मार्क्स होने चाहिए अगर आप जनरल OBC कैटेगरी के हैं, या फिर 50% अगर आप SC ST PWD के हैं। तो दूसरी बात, आपके पास मैथ्स होना ज़रूरी है 11th 12th में, और BSc में कम से कम दो पेपर आपके मैथ्स के होने चाहिए। उसके बाद लेट अस सी एग्जाम पैटर्न क्या होता है आपका DUET का। तो गाइस, DUET में आपके जो मार्क्स हैं वो टोटल आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं, 4 नंबर का पर क्वेश्चन होता है, 4, ठीक है, मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। निगेटिव मार्किंग -1 फॉर ईच रॉन्ग आंसर, मतलब अगर आपका एक क्वेश्चन है जो कि 4 नंबर का है, अगर आप उसको गलत करते हैं तो आपको -1 हो जाएगा। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस MCQ टाइप क्वेश्चन इसमें आते हैं। 100 क्वेश्चन आएंगे, 4 नंबर का एक होगा, तो टोटल 400 नंबर का पेपर होता है। मोड एग्जाम का ऑनलाइन है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है, टोटल मार्क्स 400 है। तो ये तो हो गया आपका पैटर्न ऑफ द DUET एग्जाम। इसके बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो फर्दर यू नो इंफॉर्मेशन है वो ये है दोस्तों कि जो रजिस्ट्रेशन मोड है ये ऑनलाइन ही होगा। पेमेंट मोड आप नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, क्रेडिट डेबिट फॉरन कार्ड्स UPI से आप कर सकते हैं। फ़ी जो है वो PG एंट्रेंस के लिए कैटेगरी, अगर आपकी जनरल OBC कैटेगरी है तो 750 रुपीज़ है, और अगर आप SC ST PWD कैंडिडेट्स हैं तो 300 रुपीज़ है आपका। ओके, तो ये वाला कॉन्सेप्ट है ओवरऑल, ठीक है। तो अब अगर आप चाहते हैं DUET के लिए प्रिपेयर करना, या आप दिल्ली यूनिवर्सिटी को प्रिपेयर करना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो IIT JAM का एग्ज़ाम इतना ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री नहीं हुआ है, तो दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन विच यू कैन ऑप्ट। ओके, तो DUET का जो पेपर है, बिल्कुल आपका जो सिलेबस रहेगा वो BSc लेवल का रहेगा, जो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे व्हाट इज़ द सिलेबस ऑफ DU। ओके, तो आप प्रिपेयर करो इसके लिए, अभी से शुरू कर दो बिकॉज समय कम बचा है अब, ठीक है। और ये दिस इज़ वन ऑफ द यू नो वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, ओके, अदर देन IITs, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट। तो अगर आप चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो आप ज़रूर कीजिए। आपको कोई भी डाउट है, कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आया, कोई बात आप पूछना चाहते हैं, कमेंट में आप ज़रूर लिखें। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर गिवन है, आप बात कर सकते हैं, मेल भेज सकते हैं। ओके,
टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं फॉर स्टडी मटेरियल एंड ऑल, एंड बाकी इन्फॉर्मेशन अगर आप किसी और टॉपिक पे हमसे वीडियो चाहते हैं तो आप ज़रूर उस टॉपिक को या उस कॉन्सेप्ट को लिख दें, आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। टेक केयर, बाय बाय एंड स्माइल।